बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो काउंटेबल सेट्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो काउंटेबल सेट्स मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बताए हैं। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप छोटे छोटे खुद भी कर सकते हो, एनपी वाली जो होगी या कोई और बुक। तो वैसे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बोले हैं। एक ऑब्जेक्टिव जो मैंने वहाँ पे आपको नहीं बोला था, मैं भूल गया था, इफ़ ए एंड बी और टू काउंटेबल सेट्स देन ए क्रॉस बी इज़ ऑल्सो काउंटेबल। ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी इज़ कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आपने कार्टिजन प्रोडक्ट आपने पढ़ा ही होगा, सेट ऑफ ऑर्डर फिगर्स आप लेते हो, ए का एलिमेंट कॉमा बी का एलिमेंट, वही होता है कार्टिजन प्रोडक्ट। दैट मीन्स अगर ए एंड बी काउंटेबल सेट्स हैं देन देयर कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज ऑल्सो काउंटेबल। मीन्स कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। अब हमें यहाँ पे फील्ड स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर स्ट्रक्चर डिस्कस करने हैं। जो पहले आपको आता है फील्ड स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर स्ट्रक्चर, फर्स्ट आपको आता है फील्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको आता है पहले फील्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे फील्ड स्ट्रक्चर। तो फील्ड स्ट्रक्चर बेसिकली मैंने आपको फील्ड बोला है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने आपने जो रिंग थ्योरी है वहाँ पे आपने फील्ड पढ़ा है। फील्ड आपने क्या पढ़ा है वहाँ पे? फील्ड होता है ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पॉजिसिस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आप याद करो वहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पॉजिस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यानी कम्यूटेटिव रिंग कब होती है? व्हेन अंडर मल्टीप्लीकेशन वो आपको कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। यानी इन अंडर मल्टीप्लीकेशन आपको वो पहले तीन लॉ सेटिस्फाई करता है, क्लोजर लॉ, एसेट लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड विद यूनिटी, यानी यूनिटी भी है उसको। थर्ड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पॉजिस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जो नॉन जीरो वो यानी मीन्स जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो भी ग्रुप बनाते हैं मगर अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ, जो ये फील्ड स्ट्रक्चर हैं या फील्ड, हम एक सेट एस अंडर टू ऑपरेशन, आपको पता है फील्ड में दो फील्ड तो रिंग होते हैं बेसिकली, इसमें दो ऑपरेशन होते हैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। ए फील्ड विथ टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टी मल्टीप्लीकेशन इज ए फील्ड। ए सेट एस विथ टू ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज ए फील्ड। इफ पहले आपको पता है अंडर एडिशन होना चाहिए कॉम्यूटेटिव ग्रुप, अंडर एडिशन में आपको रिपीट कर रहा हूँ वरना मैंने आपको ये पढ़ाया है, अंडर एडिशन इट शुड बी ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप। अंडर मल्टीप्लीकेशन देखो, अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है मल्टीप्लीकेशन में आपको एक ग्रुप होना चाहिए मगर नॉन जीरो एलिमेंट। देखो क्यों? क्योंकि आपको पता है फील्ड आप डिफाइन करते हो, फील्ड इज ए कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग में पहले आपको अंडर एडिशन पांच कंडीशंस ऑब्वियसली होती हैं, पांच कंडीशन रिंग के लिए पहले पांच कंडीशंस अंडर एडिशन और दो कंडीशंस रिंग के लिए अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। अब कम्यूटेटिव रिंग क्या होते हैं? कम्यूटेटिव रिंग होता है कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लीकेशन। तो कितने लॉ आ गए? पहले दो तो मल्टीप्लीकेशन में ही, अब कम्यूटेटिव आएगा विथ यूनिटी तो यूनिटी एलिमेंट पे आ गया, एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पॉजिस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मीन चार ये भी बनाता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये भी ग्रुप बनाता है मगर मगर जो ये एस डैश है, एस डैश इज एस माइनस जीरो, मीन्स नॉन जीरो एलिमेंट जो है एस के, एस में से आप जीरो एलिमेंट बाहर निकालते हो, वहां पे क्या रह जाते हैं? नॉन जीरो। इन्हें नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एस दे फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप, दे फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो और क्या चीज़ें होती हैं? आपको होता है जो ये फील्ड होता है पहले होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, वो तो आपको पता है विद यूनिटी, जब पहले आपको पता है विद यूनिटी। एंड सेकंड थिंग क्या होता है? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पॉजिस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी नॉन जीरो एलिमेंट सामने लिया है एस, यहाँ पे एस माइनस जीरो यानी नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो को छोड़ के। तो दिस मीन्स आप अंडर ये मल्टीप्लीकेशन भी कॉम्यूटेटिव ग्रुप बन गया, मगर कौन से एलिमेंट्स का ग्रुप बन गया? नॉन जीरो एलिमेंट्स का, एस डैश इज नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एस। सेकंड थिंग जो है एस है, आपको पता है ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करने चाहिए। एक तो होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और दूसरा होता है राइट
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे फील्ड, तो सिर्फ ये ही फील्ड है, इसी को हम बोलते हैं फील्ड स्ट्रक्चर। यानी किस कि कोई सेट सेट का आपको पता है, पहले ही पता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में सब कुछ निकलता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में आपको ग्रुप्स आते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में आपको सेमी ग्रुप्स आते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में आपको रिंग आते हैं। तो उनको हम इस तरह से भी नाम देते हैं, ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर, रिंग को हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर, और फील्ड को हम बोलते हैं फील्ड स्ट्रक्चर। बेसिकली ये डेफिनेशन जो फील्ड है, ये फील्ड की है, फील्ड स्ट्रक्चर मीन्स फील्ड, जिस तरह से ग्रुप स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कोई भी होगा। अब हम डिफाइन करेंगे ऑर्डर से, जो ये ऑर्डर ऑर्डर स्ट्रक्चर है वो क्या है। नाउ ऑर्डर स्ट्रक्चर, ऑर्डर स्ट्रक्चर फील्ड ही बन जाता है ऑर्डर स्ट्रक्चर। अब आपको पता है फील्ड क्या होता है, पहले अंडर एडिशन वो होता है कम्यूटेटिव ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एस होते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप, और वो सेटिस्फाई करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब फील्ड ही बन जाता है कुछ और कंडीशंस सेटिस्फाई करके ऑर्डर स्ट्रक्चर। पहले होता है, मैंने बोला है, पहले ग्रुप स्ट्रक्चर, फिर होता है इसी तरह से आप रिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हो, फील्ड स्ट्रक्चर पढ़ते हो, इसी तरह से और एक स्ट्रक्चर है ऑर्डर स्ट्रक्चर। देखो जो रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग कंडीशंस कुछ सेटिस्फाई करता है बन जाता है फील्ड स्ट्रक्चर। जो फील्ड स्ट्रक्चर है, फील्ड स्ट्रक्चर कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो बन जाता है ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो ऑर्डर स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, पहले ये फील्ड होता है, फील्ड ही होता है ऑर्डर स्ट्रक्चर। यानी एवरी ऑर्डर स्ट्रक्चर इज ए फील्ड, नोट इट, एवरी ऑर्डर स्ट्रक्चर इज ए फील्ड। पहले ए फील्ड एस, ए फील्ड एस, ये फील्ड है एस, ए फील्ड एस इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। इस एस को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड फील्ड, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड फील्ड, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड फील्ड, या इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, या इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फर्स्ट फील्ड पहले है ही है। अगर ये फील्ड आपको और कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तब जाके आप इसको बोलते हैं ऑर्डर फील्ड या ऑर्डर स्ट्रक्चर। वो प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट है आपको लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी इस तरह से है। लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए कमा बी बिलोंग्स टू एस, इफ ए एंड बी और एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द एस, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। या तो आपको अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं एस के, यानी इन तीन में से एक कंडीशन आपको ट्रू होगी, या तो होगा आपको ए ग्रेटर देन बी, या होगा ए इक्वल टू बी, या होगा आपको बी ग्रेटर देन ए। सीधी सी बात है, यही तीन चीज़ें, या ए ग्रेटर देन बी है, या बी बी ग्रेटर देन ए है, या ए इक्वल टू बी है, यही तीन चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपको ये फील्ड है, पहले आपको लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी आपको ट्राइकोटॉमी सेटिस्फाई करनी, यानी अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हो, इनमें से एक कंडीशन होनी सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, या बी ही ग्रेटर देन ए होना चाहिए, या ए इक्वल टू बी होना चाहिए। सेकंड ये सेटिस्फाई करना चाहिए आपको ट्रांजिटिविटी, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या है, इफ ए कमा बी कमा सी और एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस, इफ ए कमा बी कमा सी और एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस, एंड दिस ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए क्या है ग्रेटर देन बी, एंड जो ये है, ये इसका मतलब है एंड, ये रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट में मैथमेटिकली एंड, एंड एंड बी इज, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से बड़ा है और बी खुद से किससे बड़ा है, सी से। इसका मतलब है ये ए आएगा ग्रेटर देन सी बी, मीन्स ए इज ग्रेटर देन सी। ये होता है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, सिंपल है। थर्ड इज कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विथ एडिशन, कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विथ एडिशन। देखो ये कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विथ एडिशन क्या है, इफ ए कमा बी कमा सी और थ्री एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस, इफ ए कमा बी कमा सी और थ्री एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस, एंड एंड इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए है ग्रेटर देन बी, देन अगर आप दोनों साइड से कुछ सी एड करोगे, इनइक्वलिटी सेम रह जाएगी, इनइक्वलिटी चेंज हो, देन
ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, यानी अगर आप सी दोनों साइड से ऐड कर तो इनइक्वालिटी सेम रह जाएगी, यानी इफ ए इज ग्रेटर देन बी एम्प्लाइज ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, ये है कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन, यानी ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन यानी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अब नेक्स्ट है कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि फील्ड में दो ऑपरेशन होते हैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, तो हमें दोनों पे देखना है, एक कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन, दूसरा कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह से है कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लीकेशन, कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन मैंने आपको बोला था, अब है कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लीकेशन, कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लीकेशन, फॉर ऑल ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू एस, बिलोंग्स टू एस इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड, दिस मीन्स मैंने पहले आपको बोला इससे हम एंड डिनोट करते हैं, एंड एंड सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, देन अगर हम सी को मल्टीप्लाई, सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, अगर इस पॉजिटिव से हम दोनों साइड इनइक्वलिटी मल्टीप्लाई करेंगे ए सी इंटू बी सी, इनइक्वलिटी रिमेन सेम, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, यानी अगर इस इनइक्वलिटी को हम एक सी से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से जो पॉजिटिव होगा, इनइक्वलिटी सेम रह जाएगी, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी सेम रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपको पता है दिस टू इज लेस सॉरी थ्री इज ग्रेटर देन टू, अगर आप इसको फोर से मल्टीप्लाई करोगे थ्रू फोर तो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी टू इंटू फोर फोर से मल्टीप्लाई फोर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन ही रह जाएगा, क्योंकि ट्वेल्व इज ग्रेटर देन 12 इज ग्रेटर देन 8। इसी तरह अगर नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू मैं लूँगा माइनस फोर, थ्री इंटू माइनस फोर इज इक्वल टू इंटू माइनस फोर, यहाँ पे आएगा माइनस ट्वेल्व, यहाँ पे आएगा आपको पता है यहाँ पे माइनस एट, अब कौन सा माइनस ट्वेल्व बड़ा है कि माइनस एट बड़ा है, माइनस एट बड़ा है, माइनस ट्वेल्व तो छोटा है तो लेस देन आएगा, तो नेगेटिव से नहीं यहाँ पे पॉजिटिव से जब आप करोगे तो इनइक्वलिटी सेम रह जाएगी, अगर आप नेगेटिव से करोगे तो इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर आप एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल में आप देखोगे जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है, सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर जो होता है, सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर जो होता है, आप नोट करो सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर जो होता है एंड सेट और ऑफ रियल नंबर जो होता है, सेट और ऑफ रियल नंबर्स जो होता है, क्यू इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड आर इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये होते हैं ऑर्डर्ड फील्ड्स, ये दोनों होते हैं ऑर्डर्ड फील्ड्स, ये दोनों होते हैं ऑर्डर फील्ड्स, बिकॉज आपको पता है ऑर्डर फील्ड्स, बिकॉज आपको पता है दिस इज क्यूब प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, ये आपको पता है पहले ये फील्ड होता है फील्ड, आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लोगे क्यू के, इधर एक फॉर एग्जांपल अगर आप दो एलिमेंट्स ले लोगे क्यू के, इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी, आपको पता है अगर एनी टू रेशनल नंबर्स आप ले लोगे, या तो एक रेशनल नंबर दूसरे से बड़ा होगा या फर्स्ट रेशनल नंबर दूसरे से छोटा होगा या इक्वल होगा। सेकंड थिंग आपको आपको पता है अगर आप दो रेशनल नंबर्स लेते हो तब आपको पता है अगर कोई रेशनल नंबर ए बी सी, ए बी सी और थ्री रेशनल नंबर्स, आपको पता है अगर ए है ग्रेटर देन बी और बी है ग्रेटर देन सी, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, दिस मीन्स ये दो भी अल्टीमेटली आपको आएगा ए इज ग्रेटर देन सी। इसी तरह से ये कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन भी सेटिस्फाई करते हैं, कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो ये जो सेट ऑफ रियल ये भी सेटिस्फाई करते हैं, तो ये जो दोनों जो होते हैं ये होते हैं ऑर्डर फील्ड्स, ये होते हैं ऑर्डर फील्ड्स। आगे चल के मैं कुछ और एग्जाम्पल्स बोलूँगा तो ये काफ़ी हो गया।